फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को आरजीबी लिंक मिनी का लाइव डेमो एंड कनेक्टिविटी दिखाएंगे। ये कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे हम लोग अलग अलग इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आइए तो हम ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले अपने आरजीबी मिनी में पावर देते हैं। ये पावर हमारी कनेक्ट हो चुकी है और हमारे डिफरेंट वीडियो सोर्स जो भी HDMI है हमारे, वो हम इसमें क्लिक करके कनेक्ट करते हैं। आज हम एक वीडियो कैमरा ले रहे हैं, एक लैपटॉप ले रहे हैं, एक और लैपटॉप ले रहे हैं और एक लैपटॉप हमने ले रखा है OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे चलाएंगे। तो ये हमारी तीनों चीज़ों के और एक TV है जो हमारा आउटपुट है। RGB मिनी में सबसे पहले हमने TV की आउटपुट लगा दी है, ये देखिए मॉनिटर आउट ये हमने लगा दिए। फिर ये अब हमने सोर्स वन में आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम लगा रहे हैं अपने वीडियो कैमरे की सोर्स। ये देखती जैसे ही हमने लगाया तो हमारा यहाँ पे वाइट लाइट जल गई है और स्क्रीन पे भी दिखने लग गया। दूसरा हमने लैपटॉप का सोर्स लिया है और अब हम तीसरा भी एक लैपटॉप का सोर्स यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम तीन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, चौथा सोर्स हमारे पास अभी है नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तीनों का वीडियो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। ये पहला वाला कैमरा है और दूसरे दो लैपटॉप्स हैं जो आप देख पा रहे हैं और ये तीनों लाइट हमें ये दे रही हैं कि हमारे पास प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसकी आउट है USB आउट, वो हमने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है USB 3 केबल के थ्रू, ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास दो मेन आउटपुट आ रही है और नीचे जो हमारे तीन सोर्स हैं डिफरेंट वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे तीन सोर्स और ऊपर दो मेन स्क्रीन है। जो एयर में जा रही है वो बेसिकली रेड होती है, देखिए जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब हमारा गूगल जिस पर लिखा ये वाला, ये देखिए हमारा तीनों स्क्रीन आ गई हैं इसके ऊपर, 1 2 3 ये आप देख सकते हैं तीनों स्क्रीन हमें दिख रही है। और जो रेड बटन है ये आपको दिखा रहा है जो चीज़ हमारी एयर में जा रही है, बेसिकली जो हमारी आउटपुट है मेन आउटपुट रेड कलर से इंडिकेट रही है। और जो सिग्नल ब्लिंक कर रहा है ये हमें बता रहा है कि अगर हम अपना T-bar यूज़ करेंगे तो सोर्स टू हमारा मेन उस पर आ जाएगा एयर में, ये आप देख सकते हैं। अब 2 नंबर का चैनल रेड हो गया है तो इसका मतलब जो हमारी आउटपुट है अभी 2 नंबर की जो इनपुट है वो जा रही है हमारी आउटपुट में, जो कि हमारा एक लैपटॉप है। अब हमने देखिए इसको चेंज कर दिया, ये वाला चैनल नंबर जो है 1 ब्लिंक करने लग गया। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 वाला जो है वो रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वीडियो कैमरा है अभी वो लाइव हो गया है। अगेन हमारा ये लैपटॉप लाइव हो चुका है, हम आपको ये स्क्रीन पे भी अभी दिखाएंगे, आप देखिएगा अभी ये देखिए स्क्रीन आ गई हमारी, ये अब हम चेंज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला है स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। रेड मीन्स ये एयर पे जा रहा है, अभी हमारा रेड हो गया लैपटॉप। अभी हमने सोर्स चेंज कर दिया तो देखिए अब रेड जो हो गया है वो हमारा दूसरा वाला लैपटॉप हो गया। तो रेड मीन्स जो हमारी आउटपुट जा रही है, जो हमारा एयर में जा रहा है, अगर हम अपना लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं जूम मीटिंग या जो भी है, तो रेड जो भी सोर्स रेड में आ रही है वो हमारा एयर में जा रही है। आइए अब हम इसके डिफरेंट बटन के बारे में देखते हैं इसमें क्या है। ये पहला हमने बटन दबाया तो ये हमारा ट्रांजिशन का है कि हम कैसे कट टू कट, फेड, लेफ्ट टू राइट, सेंटर इन सेंटर आउट, अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं इसमें ट्रांजिशन। अभी हमने ये राउंड सर्कल वाला लिया है, आइए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट दिखता है। ये देखिए हमने T-bar चला और ये देखिए बिल्कुल राउंड होता हुआ दिखा रहा है, ये देखिए। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रांजिशन होता है वो कितनी सेकंड का, आपको कितनी सेकंड में करना है उसका आप यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं, ये इसका दूसरा मेन्यू आता है। हम इसे 0.5 से लेके 5 सेकंड तक हम इसमें टाइम डाल सकते हैं ट्रांजिशन का, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए 0.5 से 5 सेकंड लगते हैं इसमें, ये आप देखिए अब हमने चेंज कर दिया, अब ये धीरे धीरे जा रहा है, ये देखिए 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड के अंदर चेंज होगा।
ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंट ट्रांजिशन के बारे में। आइए नेक्स्ट मेन्यू देखते हैं। इसमें नेक्स्ट मेन्यू में हम आपको दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए, हमने ये बटन दबा दिया बीच वाला सेंटर बटन, तो इससे आप देखेंगे अब ये हमारा फुल स्क्रीन आ गया है। मींस कि सपोज हम इस मिनी को एज ए स्विचर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पहले अपने ऑडियोजल्स में यूज़ करते थे क्रैमर स्विचर या RGB लिंक हो आपके पास, तो एक बहुत ही सस्ता ऑप्शन आपको मिल गया है जिससे आप इसको एज ए स्विचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, ये फोर्थ नंबर पर कोई था नहीं, तो ये देखिए आगे हमारे पास हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कैमरा सोर्स आ गया। फोर्थ में हमने कोई यूज़ नहीं करा, अभी चेंज करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फिर चेंज करेंगे, देखिए ये आ गया। इसके आपस में हम टी बार कर रहे हैं, हम बटन से भी डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं इसको। और ये आपका आ गया है नेक्स्ट, उस पर चलते हैं मोड पे। ये तो आप देख चुके हाँ, ये PIP, ये बहुत ही अच्छा वो है ऑप्शन इसके अंदर जो दिया गया है, जिससे हम PIP अगर हमें कुछ दिखाना है, सेंटर PIP, लेफ्ट PIP, राइट PIP, ये अलग अलग हैं आपके 50-50, ये बॉटम अप, ये साइड बाय साइड, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो आइए हम साइड बाय साइड को यूज़ करके देखते हैं। ये हमारे ये आ गया, अब हम देखते हैं साइड बाय साइड पे। ये देखिए पहला और हमारा फोर्थ सेलेक्टेड, इसलिए हमें ब्लैंक आया था। अब ये देखिए हमने चेंज कर दिया सोर्स, तो एक ही स्क्रीन में आप दोनों देख सकते हैं और टी बार के थ्रू। और दूसरा अगर हम वापस करेंगे, टी बार को घुमाएंगे, तो वापस सिंगल फुल स्क्रीन आ जाती है। तो ये वाला फीचर आपको बहुत कम मिलेगा स्विचर में, प्राइमर स्विचर में तो होता ही नहीं था ये। और इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया है, इसमें क्या है आप जो भी सोर्स सेलेक्ट करेंगे उसका आप वॉल्यूम कम ज़्यादा भी यहीं से ही कर सकते हैं। HDA में आज जैसा आपको पता है कि वॉल्यूम भी वीडियो के साथ आता है, तो जब हम सोर्स चेंज करते हैं तो इसमें वॉल्यूम भी सोर्स चेंज करते हैं, उसका ऑडियो भी चेंज होता है। ये इसमें आप अलग से भी ऑडियो इन और ऑडियो आउट दे रखा है, और एक लैन कनेक्टिविटी है जो कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने लैपटॉप के थ्रू अगर इस मिनी को चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको चला सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से इसका सॉफ्टवेयर आया नहीं है। ये देखिए हम लोग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज भी आ रही है लैपटॉप में, हमने एक में अपना वीडियो चला रखा है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी भी आवाज आ रही है। सोर्स चेंज किया फिर आवाज चेंज हो गई, देखिए ऑडियो भी अपना चेंज हो गया इसकी, ये आप देख सकते हैं अभी इसका ऑडियो आ रहा है और अब आपका इसका ऑडियो आने लग गया GP के इस वाले वीडियो का। ये और छोटा सा एक स्ट्रीमिंग फीचर सबसे पहले हम जूम ऑन करते हैं अपने लैपटॉप में जाके। ये हमने खोल लिया, न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं जैसा आप लोग पहले भी करते हैं। ये देखिए न्यू मीटिंग मैंने स्टार्ट कर ली है और अब आप देखें इसमें आ रहा है हाँ ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, ठीक है इसको ओके कर लीजिए। अब इसमें वीडियो सोर्स, अभी तो मेरा फेस टाइम का वीडियो चल रहा है, अभी मैं इसको चेंज करूँगा EVER USB डिवाइस के नाम से था। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करते ही इसके अंदर इसका ये डिवाइस आ चुकी है, ये कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इनपुट इसकी आ चुकी है। और आप ये बड़ी ईजी आप इसको अपनी जूम मीटिंग में जैसा भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। स्विचर देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हमारे तीनों सोर्स आपको इसमें जूम मीटिंग में आपको दिख रहे हैं। आप जैसा भी अपना सेटअप बनाना चाहे उसमें आप इसको उसी तरीके से पुट कर सकते हैं अपने इस कैमरे को, और इजीली आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में स्विच कर सकते हैं। ये तो था आपका जूम मीटिंग का। आइए अब हम लोग चलते हैं OBS में, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम OBS खोल लेते हैं। अब हमें OBS में हमें इसमें ऐड में करेंगे ऐड डिवाइस। अब इसमें हमें सबसे पहले वीडियो कैप्चर डिवाइस, इसे हम क्लिक करेंगे। और क्योंकि हम ये RGB लिंक कर रहे हैं, हम लोग RGB लिंक टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको RGB मिनी लिखना। ये देखिए अब यहाँ पे सोर्स में जाऊँगा मैं और ये EVER USB डिवाइस आ गया इसमें, और इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए OBS में भी ये बड़ी ईजिली आ चुका है। जैसा भी आपका सेटअप हो, जैसा भी जो भी हो, आप उसमें अपनी स्क्रीन को सेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। और ये मिनी इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये देखिए आपको इसके लिए अलग से कोई भी HDMI कैप्चर कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है। और ये देखिए स्विचर भी बड़ी आसानी से काम कर रहा है।
होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आप सबकी नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।